रिसेंटली बिरला ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही गवर्नमेंट को एक खत लिखा है और उस खत में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपना 27% स्टेक जो भी कंपनी वोडाफोन आइडिया को ऑपरेट करने के लिए तैयार है उन्हें देना चाहता हूँ। अब जहाँ पर दुनिया में कोई 2 रुपये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पर मिस्टर कुमार मंगलम बिरला अपना 27% स्टेक छोड़ने के लिए कैसे राजी हो गए। एक्चुअली इसे स्मार्ट मूव भी कहा जा रहा है। कैसे ये स्मार्ट मूव है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही जिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली इस कंपनी में एंट्री ली है वह भी सोच रहे हैं कि क्या कंपनी की प्राइस आगे बढ़ेगी या फिर जीरो की तरफ जाएगी, क्योंकि जिस दिन ये लेटर सबमिट किया गया उस दिन शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई, लेकिन कल अच्छी खासी शेयर प्राइस में रिकवरी भी पाई गई। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो 27% स्टेक मिस्टर बिरला देने वाले हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके फेवर में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर नीचे आप टाइम स्टैम्प देख सकते हो, जिस भी टाइम स्टैम्प पर आपको जंप करना है आप कर सकते हो, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए क्योंकि काफ़ी कुछ नॉलेज हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ। 1995 में बिरला ग्रुप ने डिसाइड किया कि उन्हें टेलीकॉम में एंटर करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने US के टेलीकॉम जायंट कंपनी AT&T और टाटा ग्रुप के साथ टाई अप किया और अपना टेलीकॉम बिजनेस शुरू किया। साल 2002 में इस एंटिटी का नाम बदलकर आइडिया सेल्युलर हुआ और 2007 में कंपनी ने अपना IPO लाया और 2013 के करीब आइडिया सेल्युलर बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इनफैक्ट तब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रुप की बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा था। वही अगर आज की बात करते हैं तो आज वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 20,000 करोड़ है और अगर हम ग्रुप कंपनीज की बात करते हैं जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ग्रासिम का 1 लाख करोड़ के करीब है। तो ऐसे में आइडिया अब बिरला ग्रुप के लिए कोई बड़ी एंटिटी नहीं रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, ऐसे में जियो की एंट्री हुई और जियो की एंट्री शिवाजी द बॉस के लगभग कुछ इस सीन की तरह थी। जियो आने के बाद लगभग सारी टेलीकॉम कंपनीज के हौसले बुलंद हुए और सारे लोग स्ट्रगल करने लगे। कुछ ने सर्वाइव किया तो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में वोडाफोन और आइडिया दोनों को लगा कि हमारी भी हालत कुछ खास नहीं है, तो क्यों ना हम एक स्मार्ट मूव लेके मर्ज कर ले। और फिर उन्होंने मर्ज कर लिया और मर्ज के बाद वोडाफोन आइडिया दैट इज़ वी शुरू हुआ। वोडाफोन आइडिया के इस मर्जर के बाद वोडाफोन आइडिया इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनी, लेकिन ये जो अच्छी कहानी थी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि जियो आने की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई थी। प्राइस प्रेशर था, टैरिफ अपने अनुसार कंपनीज नहीं बढ़ा पा रही थी और उसका सीधा असर कंपनी के फाइनेंशियल्स और बॉटम लाइन पर आने लगा और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो हर्ट होने लगे। वोडाफोन आइडिया लगातार लॉसेस पर लॉसेस बुक कर रही थी। फाइनेंशियल 2019-20 में तो वोडाफोन आइडिया ने रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन ये रिकॉर्ड निगेटिव था। पूरे इंडिया के कॉरपोरेट हिस्ट्री में इतना बड़ा लॉस किसी कंपनी ने किसी साल में नहीं बुक किया था। तो इस रिकॉर्ड के बाद कंपनी नहीं रुकी, अगले साल फिर कंपनी ने करीब 43,000 करोड़ का लॉस बुक किया। तो इन बढ़ते हुए लॉसेस के साथ साथ कंपनी पर प्रेशर आने लगा पैसा रेज करने का, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े लॉसेस होंगे तो कहीं ना कहीं से पैसा आना भी चाहिए। लेकिन ऑलरेडी कंपनी के ऊपर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि कोई कर्ज देने के लिए कंपनी को तैयार नहीं था। कंपनी के ऊपर फिलहाल जो ग्रॉस डेट है वो है 1.8 लाख करोड़ का। साथ ही कंपनी को गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा के AGR दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करने हैं, यानी टोटल लायबिलिटीज़ करीब 2.3 लाख करोड़ के करीब जा चुकी है और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 17,000 करोड़ का है और प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में और एक एडिशन ये है कि कंपनी का जो यूज़र बेस है वो लगातार कम हो रहा है। 2 साल पहले कंपनी का यूज़र बेस 33 करोड़ था जो कि अभी 27 करोड़ पर आ चुका है। जब एक साइड में भारतीय एयरटेल और जियो के यूज़र बेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वही वोडाफोन आइडिया के यूज़र बेस लगातार कम हो रहा है। 2 साल पहले वो 33 करोड़ था, अभी वो 27 करोड़ पर है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात की जाए तो जियो के लिए वो 138 रुपीज़ है, एयरटेल के लिए 146 रुपीज़ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए वो सिर्फ 107 रुपये है। तो फासला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीडियो को स्क्रैच से शुरू करने के बारे में और उसके लिए कई सारे स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मार्केटिंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और काफ़ी कुछ। और ये स्किल्स सीखने के लिए आप स्किलशेयर का उपयोग कर सकते हो जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक है। स्किलशेयर एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, साथ ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्रिएटिव स्किल्स सीख सकते हो, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग,
वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और काफ़ी कुछ। मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीखने के लिए हमने गाय कावासाकी का आर्ट ऑफ द स्टार्ट, टर्निंग आइडियाज इनटू हाई ग्रोथ बिजनेसेस ये क्लास किया था, जो कि बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड और सिंपल था, और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला। मिस्टर गाय कावासाकी एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, ऑथर हैं और सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, और उनके एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला। स्किलशेयर ये प्लेटफॉर्म स्पेशली लर्निंग के लिए बनाया गया है, यहाँ पर किसी भी तरह के एड्स नहीं हैं, और अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट से आपको अलग अलग स्किल्स सीखने मिलती है। स्किलशेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन पैक 2400 रुपीज़ से भी कम है, यानी 200 रुपये पर महीने से भी कम। शायद कई सारे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन से भी इनके चार्जेस कम हैं। और यहाँ पर सारे कन्वे वॉरियर्स के लिए भी एक स्पेशल ऑफर है। यहाँ पर आप में से जो पहले 1000 लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके स्किलशेयर को चेकआउट करेंगे, उन्हें पहले एक महीने के लिए स्किलशेयर बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी आप वहाँ पर कई सारी स्किल्स पहले एक महीने में फ्री में सीख सकते हो। तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके स्किलशेयर को चेकआउट कीजिए। यहाँ पर देखें तो कंपनी का जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उतना सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जा रहा है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, और इसीलिए कंपनी को प्रॉफिट कमाने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। कंपनी के इस खराब परफॉर्मेंस के चलते 70 रुपये से कंपनी की शेयर प्राइस गिरकर 7 रुपये पर आ गई। अब लोगों ने सोचा कि 7 रुपये पर आ गई है, इतनी सारी कंपनी की शेयर प्राइस गिर रही है, तो शायद यहाँ से 14 रुपये भी कंपनी की शेयर प्राइस हो जाएगी तो हमारा पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। और ऐसे में जानी मानी इन्वेस्टर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने भी कंपनी में एंट्री ली, और उसके बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया में भी इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि कई सारे लोग तो खुद वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड भी यूज़ करते हैं, और यही सोचकर उन्होंने इन्वेस्ट किया बिना किसी ड्यू डिलीजेंस के। लेकिन यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती चली गई और यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आया। वोडाफोन आइडिया के इस केस पर हमने पिछले साल जुलाई में भी बात की थी। इस वीडियो में हमने सभी को वॉर्न किया था कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं और उनके सुधरने के चांसेस भी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ये भी है कि जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आग बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी इन्वेस्टर का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, कई सारी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं और कई बार वो भी गलत हो जाते हैं। तो आप ऐसे ब्लाइंड डिसीजन मत लीजिए, अपना खुद का रिसर्च और ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और बाकी कंपनियों को कहा था कि आपको अपने AGR ड्यूज यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज पे करने हैं, तभी कुमार मंगलम बिरला ने कह दिया था कि हम अपना शॉप बंद कर रहे हैं, यानी वोडाफोन आइडिया बंद कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी नया पैसा हम नहीं डालने वाले। उन्होंने ये कहा था कि वी विल नॉट पुट द गुड मनी आफ्टर बैड, और तभी से वोडाफोन आइडिया ग्रुप के जो इंटेंशंस थे वो क्लियर हो गए थे कि उन्हें बिजनेस नहीं चलाना है। और रिसेंटली उनका जो मूव था गवर्नमेंट को लेटर लिखने का, वो भी क्लियरली यही था कि गवर्नमेंट अगर आप चाहते हो तो आप इंटरफेयर कीजिए और वोडाफोन आइडिया को चलाइए या फिर किसी और को ढूंढिए जो चला सकता है, हम तो यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं बिकॉज कोई नया पैसा हम नहीं डालने वाले। अगर आप बिरला ग्रुप की बात करो तो उनकी टॉप 3 कंपनीज जो है लिस्टेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम और हिंदाल्को, इनका प्रॉफिट सालाना 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बिरला किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि बाकी ग्रुप कंपनीज़ को बाद में यहाँ पर पैसा डालने का काम पड़े, और इसीलिए उन्होंने अपना जो स्टांस है वो क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट को कंपनी को बचाना है तो बचा सकते हैं, अदरवाइज हम तो यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। मिस्टर कुमार मंगलम बिरला का ये स्मार्ट मूव इसलिए है कि जो भी 27% स्टेक जो छोड़ देना चाहते हैं उसकी वैल्यू करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार है 5,400 करोड़। कंपनी का फिलहाल टोटल मार्केट कैप है 20,000 करोड़ और उसका 27% आता है 5,400 करोड़, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है वो है 2.3 लाख करोड़, 2,30,000 करोड़, उसका 27% करीब 64,000 करोड़ आता है। तो यहाँ पर जो कोई पर्सन वो स्टेक खरीद लेगा उसे उससे कई गुना वैल्यू पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर उसकी नेगेटिव वर्थ साबित होती है। तो यहाँ पर एक 27% स्टेक बस एक इल्यूजन साबित होता है। साथ ही मिस्टर बिरला यहाँ पर रिज़ाइन भी इसलिए किए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे चलकर उनकी जो बाकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर कोई लायबिलिटी आए, तो इसीलिए वो पहले ही अपना स्टांस क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई टाइम से एयरटेल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को उन्हें बचा देना चाहिए। अब इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसे इंस्टेंसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं क्योंकि एक कंपटीटर बोलता है कि उसके कंपटीटर को बचाया जाए। अब जिस अग्रेसिवनेस से एयरटेल ये रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ये पता चला कि एयरटेल की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है इंडस टावर्स, और इंडस टावर्स का वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़ा कस्टमर है। तो इंडस टावर को अच्छा खासा रेवेन्यू वोडाफोन आइडिया से आता है, तो यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो इंडस टावर का अच्छा खासा रेवेन्यू कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर एयरटेल को यह भी लगता है कि अगर वोडाफोन आइडिया गेम में रहती है
और वोडाफोन आइडिया की वजह से अगर गवर्नमेंट एजीआर ड्यूज माफ़ करती है तो एयरटेल को भी उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एयरटेल के ऊपर भी एजीआर ड्यूज हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है एयरटेल की वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश में। यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया के जो यूज़र्स हैं वो भी काफ़ी चिंतित है वोडाफोन आइडिया के बैंकरप्सी को लेकर। जैसे ही रेंज कम हो जाती है, नेटवर्क के बाहर चला जाता है, वैसे उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है और वो सोच रहे हैं कि क्या कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल तो नहीं किया है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एक कोशिश ज़रूर करेगी कि इसमें क्या कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है। हमारे अनुसार गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ पुश नहीं दे सकती, तो यहाँ पर बैंकरप्सी के चांसेस शायद बहुत ज़्यादा हैं। आप भी अपना व्यू क्या है ज़रूर बताइए। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया अगर बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है तो ड्यूपोली होगी जियो और एयरटेल की, और इन दोनों की ड्यूपोली आने के बाद प्राइस भी इनके हाथ में रहेगी और स्पेक्ट्रम में भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं आएगी। तो स्पेक्ट्रम बीड शायद अगर कम आ जाए तो गवर्नमेंट को भी उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी एक कोशिश ज़रूर कर सकती है वोडाफोन आइडिया को बचाने की, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल से उस हिसाब से ये तो नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कंपनी को बेल आउट करेगी। आप भी ज़रूर बताइए कि आपका क्या व्यू है कंपनी के ऊपर, कि क्या कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगी या फिर गवर्नमेंट बेल आउट करेगी। अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूज़र हो तो नेटवर्क चेक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। और आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इस कंपनी में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए और अच्छे फंडामेंटल वाली और अच्छी कंपनीज को चुनते रहिए। थैंक यू सो मच। शान के उबो किसी पे मरते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नॉट चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं। नॉन ठीक है, रेडी एक्शन।